जय जोहार। मैं भावेश देशमुख खैरागढ़ साईं महाविद्यालय सेक्टर 6 भिलाई से। ये वीडियो बनाने का एक खास कारण ये है कि आपसे कुछ जो देश बल्कि पूरे विश्व में अभी चल रहा है, जो दो बीमारी, मेरे हिसाब से एक नहीं बीमारी दो है, उन पर आपसे बात हो जाएगी। एक जो बीमारी है वो है कोरोना, जिस पर सब लोग जिसके बारे में जानते हैं और बात भी करते हैं और इससे बचाव भी करते हैं कि ये हमें बीमार ना कर दे करके। और मेरे हिसाब से दूसरी जो खास बीमारी है वो है डिप्रेशन, अवसाद। तो जो सरल सी बात ये है कि इंसान के जिंदगी में हर समय अलग अलग टेंशन, अलग अलग परेशानी रहती है। जब एक छात्र या छात्रा रहती है, जब स्कूल जाती है, तो फिर उसे अलग परेशानी रहती है, अलग टेंशन में रहता है वो या रहती है। जब वो कुछ हायर सेकेंडरी में आ जाती है तो फिर अलग परेशानी, अलग टेंशन रहता है। और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के लिए जाता है, अपने घर से, अपने गांव से निकलकर नए शहर जाता है, तब परेशानी कुछ अलग रहती है। उसके बाद फिर जॉब लाइन में आ जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद वो बुढ़ापा आ जाता है, फिर उसके बाद मतलब हर समय अलग अलग टेंशन, अलग अलग परेशानी रहती है। और ये परेशानी तो अपने मतलब अंतिम सांस और ये इस जीव के ख़त्म होते तक रहती है। तो फिर अभी देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग हर कोई बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन चर्चा करना चाहिए। जो अगर चर्चा करने से वो चीज़, क्योंकि हल तो ज़रूर निकलेगा अगर हम बात करेंगे तो, लेकिन तब भी चार पंक्ति मैं रखता हूँ कि कठिन समय में आशा के रवि का लघुवान जरूरी है, सफल युद्ध में दुश्मन के बल का अनुमान जरूरी है, नगर अयोध्या का राजा जग का स्वामी बन जाता है। नगर अयोध्या के राजा मतलब वो जब तक अपने अयोध्या में थे तब तक वो सिर्फ राम थे। जब वो वनवास में चले गए, वल्कल पहनकर वनवास चले गए अपने पिताजी के आदेश के अनुसार, और जब 14 वर्ष के बाद अपने अयोध्या लौटे तब वो राजा राम हो चुके थे, वो भगवान राम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए थे। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तभी हम सफल हो पाते हैं। तो हमें मेहनत सिर्फ उस सफलता के लिए करनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए करती राह रास्तों में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी कठिनाई भी आती है, लेकिन उससे हमें ऊपर निकलना है कि नगर अयोध्या का राजा जग का स्वामी बन जाता है। क्या जरूरी है इस साथ एक लक्ष्मण का हो, दूजा हनुमान जरूरी है। तो हमें एक ऐसा भाई भी चाहिए जो हमारे हर स्थिति, हर परिस्थिति में साथ रहे, और हमें एक ऐसा हमारा मित्र भी चाहिए, ऐसा हमारा भक्त भी चाहिए जो हर हमेशा हमारे साथ रहे। तो ऐसे दो लोग बहुत ज़रूरी हैं जो जीवन में सफलता के लिए बहुत सबसे बड़ी कड़ी मान सकते हैं हम लोग। तो फिर रचना मैं रखता हूँ कि जब लोग एकदम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जब वो एकदम हताश हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब सब जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मात्र एक दरवाज़ा उस समय भी खुला रहता है, लेकिन बस हमें बिना उदास हुए उस दरवाजे को खोजना पड़ता है, और वो दरवाज़ा मिलने के बाद फिर से ज़िंदगी हमारी बहुत सही हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो फिर मैं एक रचना आपके सामने रखता हूँ कि ये रचना मैंने 2017 में लिखी थी, और 2017 के बाद से थोड़े थोड़े दिन में इस रचना की ज़रूरत पड़ ही जाती है लोगों को, कि अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को बताने के लिए, सिखाने के लिए इस रचना का उपयोग होता रहता है। कि जब कभी भी मैं खुद से टूट कर कोई बात करता हूँ, ये कविता मैं आपके सामने रखता हूँ, और इस कविता के पहले एक शेर आपके सामने रखता हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए करती राह रास्तों में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी कठिनाई भी आती है, लेकिन उससे हमें ऊपर निकलना है। कि नगर अयोध्या का राजा जग का स्वामी बन जाता है,
क्या जरूरी है, इस साथ एक लक्ष्मण का हो दूजा हनुमान जरूरी है। तो हमें एक ऐसा भाई भी चाहिए जो हमारे हर स्थिति हर परिस्थिति में साथ रहे, और हमें एक ऐसा हमारा मित्र भी चाहिए, ऐसा हमारा भक्त भी चाहिए जो हर हमेशा हमारे साथ रहे। तो ऐसे दो लोग बहुत जरूरी हैं जो जीवन में सफलता के लिए बहुत सबसे बड़ी कड़ी मान सकते हैं हम लोग। तो फिर और रचना मैं रखता हूँ कि जब लोग एकदम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जब वो एकदम हताश हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब सब जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मात्र एक दरवाज़ा उस समय भी खुला रहता है, लेकिन बस हमें बिना उदास हुए उस दरवाजे को खोजना पड़ता है, और वो दरवाज़ा मिलने के बाद फिर से ज़िंदगी हमारी बहुत सही हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो फिर मैं एक रचना आपके सामने रखता हूँ कि ये रचना मैंने 2017 में लिखी थी, और 2017 के बाद से थोड़े थोड़े दिन में इस रचना की ज़रूरत पड़ ही जाती है लोगों को, कि अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को बताने के लिए, सिखाने के लिए इस रचना का उपयोग होता रहता है। कि जब कभी भी मैं खुद से टूट कर कोई बात करता हूँ, ये कविता मैं आपके सामने रखता हूँ, और इस कविता के पहले एक शेर आपके सामने रखता हूँ। प्रेम पत्र से चाह कर भी कैसे मिटा सकते हो खुद को, अम्मा बाबूजी ने बुढ़ापे के लिए तुम्हारे साथ पूरी एक किताब रखी है। तो फिर एक रचना मैं आपके सामने रखता हूँ कि मैं कहाँ से ऊर्जा लेता हूँ जब बड़ी कोई परेशानी, बड़ी कोई दिक्कत आ जाए, तो मैं कहाँ से डील करता हूँ और मुस्कुराने का प्रयास करता हूँ और खुश रहने का प्रयास करता हूँ। कि जब कभी भी मैं खुद से टूट कर मैं कोई बात करता हूँ, अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा यही याद करता हूँ। जब मैं माँ पर मैंने एक मुक्तक लिखा था, मैं माँ को जब सुनाता हूँ तो माँ बहुत भावुक भी हो जाती है, तो फिर वो मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ। कि अगर कठिनाई आ जाए तो मुझको आस देती है, जो मैं मायूस होता हूँ मुझे विश्वास देती है, भले दुनिया कहे हारा हमें हारा नहीं समझे, पूरी दुनिया आपको जब डिमोटिवेट करेगी, आपको बताएगी कि आप नहीं कर सकते वो चीज़, आप हार गए हो, बस यहाँ पर सब खत्म हो सकता है, कि भले दुनिया कहे हारा हमें हारा नहीं समझे, क्या करती माँ, बढ़ाती हौसला मेरा मुझे आकाश देती है, बढ़ाती हौसला मेरा मुझे आकाश देती है। तो फिर उसके बाद मैं वो कविता आपके सामने रखता हूँ। इस कविता का शीर्षक है आत्मघात। कि जब कभी भी मैं खुद से टूट कर कोई बात करता हूँ, जब कभी भी खुद से टूट कर मैं कोई बात करता हूँ, अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा भी याद करता हूँ, कि उनके मुस्कान की कीमत मुझे मालूम है जमाने में, गमों और आंसुओं को मैं समंदर में याद करता हूँ, और तुझे कल की चिंता सताती है, तुझे कल की चिंता सताती है, उन्हें आपके घर वालों को, उन्हें तुम्हारा होना प्यारा है, तुझे कल की चिंता सताती है। जब आपके घर वाले आपको 12th के बाद कोटा भेजते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए, तब फिर आप टेंशन में रहते हैं, जब वो वीकली टेस्ट होता है और मार्क्स कम आ जाते हैं, तो तुझे कल की चिंता सताती है, और तू सोचता है यार घर में अगर मार्क्स पता चल गए, जब उनको मतलब मार्क्स जाएंगे तो बड़ा अच्छा नहीं रहेगा, घर वाले डांटेंगे, पापा डांटेंगे, पापा गुस्सा करेंगे, मम्मी गुस्सा करेंगी, कि तुझे कल की चिंता सताती है, तुझे कल की चिंता सताती है, उन्हें आपके घर वालों को तुम्हारा होना प्यारा है, खुद को आशा और समर्थन के घेरे में तैनात करता हूँ। तो मैं इसलिए मुस्कुराते रहता हूँ, मैं इसलिए खुश रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सकारात्मक लोग हैं। ये एक मेरे लिए बहुत एक गर्व का विषय है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को लेकर कि मेरे आसपास मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझे हुए, मानसिक तौर पर बहुत समृद्ध लोग हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बड़े एकदम
हर चीज़ों को समझते हैं, बताते हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं जो चीज़ों को समझते हैं, मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, कुछ विषयों पर मैं भी उन्हें बताता हूँ, समझाता हूँ, और मेरे मेरे मेरी बहनें हैं, छोटी बहनें भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, उनसे हमेशा मैं चीज़ें लेता रहता हूँ कि मतलब चीज़ें नहीं लेता, मैं सीखते रहता हूँ, तो फिर ऐसा रहता है। और अपने बड़े भाइयों से भी मैं सब चीज़, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, मैं कॉलेज में भी देखता हूँ, हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर से भी बहुत ऊर्जा मिलती है, हमेशा जब वो ऑडिटोरियम से कुछ विषयों पर बात करते हैं तो हमेशा मोटिवेट करके छोड़ते हैं हम लोगों को, हम सारे स्टूडेंट्स को, और हमारी आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर मैम हैं, उनसे भी ऊर्जा मिलती है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर बात करती है, और उदास होने से, निराश होने से, मतलब वो बताते हैं कि हम कैसे चीज़ों पर काम कर सकते हैं अच्छे से। हमारे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो इन सब लोगों से, जिन लोगों से भी मैं घिरा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो, आसपास के लोग बड़े समृद्ध लोग हैं, कि तुझे कल की चिंता सताती है, उन्हें तेरा होना प्यारा है, खुद को आशा और समर्थन के घेरे में तैनात करता हूँ। और मैं बताता हूँ कि पिताजी को ऐसी मानसिकता है लोगों के, मतलब पूरी दुनिया में यही मानसिकता है कि पिता जो होता है वो घर का सबसे बलशाली होते हैं, सबसे स्ट्रांग जो होते हैं वो एकमात्र पिता होता है, कि कैसी भी परिस्थिति रहे पिताजी, इसलिए मुस्कुराते रहता हूँ मैं, इसलिए खुश रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सकारात्मक लोग हैं, ये एक मेरे लिए बहुत एक गर्व का विषय है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को लेकर कि मेरे आसपास मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझे हुए, मानसिक तौर पर बहुत समृद्ध लोग हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बड़े एकदम हर चीज़ों को समझते हैं, बताते हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं जो चीज़ों को समझते हैं, मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, कुछ विषयों पर मैं भी उन्हें बताता हूँ, समझाता हूँ, और मेरे मेरे मेरी बहनें हैं, छोटी बहनें भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, उनसे हमेशा मैं चीज़ें लेता रहता हूँ कि मतलब चीज़ें नहीं लेता, मैं सीखते रहता हूँ, तो फिर ऐसा रहता है। और अपने बड़े भाइयों से भी मैं सब चीज़, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, मैं कॉलेज में भी देखता हूँ, हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर से भी बहुत ऊर्जा मिलती है, हमेशा जब वो ऑडिटोरियम से कुछ विषयों पर बात करते हैं तो हमेशा मोटिवेट करके छोड़ते हैं हम लोगों को, हम सारे स्टूडेंट्स को, और हमारी आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर मैम हैं, उनसे भी ऊर्जा मिलती है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर बात करती है, और उदास होने से, निराश होने से, मतलब वो बताते हैं कि हम कैसे चीज़ों पर काम कर सकते हैं अच्छे से। हमारे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो इन सब लोगों से, जिन लोगों से भी मैं घिरा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो, आसपास के लोग बड़े समृद्ध लोग हैं, कि तुझे 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 कल की चिंता सताती है, उन्हें तेरा होना प्यारा है, खुद को आशा और समर्थन के घेरे में तैनात करता हूँ। और मैं बताता हूँ कि पिताजी को ऐसी मानसिकता है लोगों के, मतलब पूरी दुनिया में यही मानसिकता है कि पिता जो होता है वो घर का सबसे बलशाली होते हैं, सबसे स्ट्रांग जो होते हैं वो एकमात्र पिता होता है, कि कैसी भी परिस्थिति रहे पिताजी हमेशा उस पर काम करते हैं, और चीज़ें बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खुशी खुशी करते हैं, कि तुझे कल की चिंता सताती है, उन्हें तेरा होना प्यारा है, खुद को आशा और समर्थन के घेरे में तैनात करता हूँ। और ये पंक्ति पढ़ता हूँ जिस पर मैंने पिताजी की बात कही, कि तुम्हारा लटकता हुआ धड़ देखने का साहस नहीं उनको, तुम्हारा लटकता हुआ धड़ देखने का साहस नहीं उनको, उनके भरोसे पर मैं आत्मविश्वास से मुलाकात करता हूँ। कि जब आप एक बार खुद सोचिए, जो जिस पिताजी के साथ आप रहते हैं, अगर फिर वो उस शरीर को वो जब पता चलेगा या जब आएंगे, तो फिर ऐसा कुछ माहौल जब बन जाएगा, तो स्थिति आप समझिए कि पिताजी को कैसा लगेगा, कि तुम्हारा लटकता हुआ धड़ देखने का साहस नहीं उनको, या
लटकता हुआ शरीर ना रहा तो या बेहोश या किसी भी हाल में जब घर पे वो मिलेंगे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तो या तो वो गोद में जाएगा या तो फिर ऐसे हाथ पैर पकड़ कर दो लोग लेकर जाएंगे, तो आप समझिए कि स्थिति कितनी अजीब हो जाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। पूरा विश्वास है कि इस चीज़ के बारे में आप अगर सोचेंगे तो आपको बहुत बहुत बुरा लगेगा। तो तुम्हारा लटकता हुआ धड़ देखने का साहस नहीं उनको, उनके भरोसे पर, अपने घर वालों के, उनके भरोसे पर मैं आत्मविश्वास से मुलाकात करता हूँ कि मुझे वो विश्वास दिलाते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि चलेगा, देख लेंगे लक्की कैसा करना है, क्या करना है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं और मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे कटा सर, कटी उंगली या कटीनस का शौक नहीं, हो सके तो अपने प्रयासों से लोगों की पीड़ा कांटा करता हूँ और किस्मत 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 तेरे हिस्से का पल भी तुझे जरूर दिलाएगी भावेश, कर्म पर विश्वास रखे हरदम हालात पर आधार। तो इन तरह की बात है, आप जब परेशान हो जाएं, आप जब उदास हो जाएं, कभी ऐसी स्थिति बने तो आप मुझे भावेश देशमुख, खैर अगर छत्तीसगढ़ को चाहे याद ना रखें लेकिन आप कुछ चीज़ों को मैंने जो बताया है उस पर ज़रूर उन चीज़ों को याद रखें, आपने अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए चीज़ों को याद रखें और बस फिर सुख दुख आपने अपने अपनों के साथ बांटते रहें और चीज़ों पर बात करते रहें। बाकी तो सब बढ़िया है और फिर कभी किसी दिन वीडियो बनाना ऐसा हुआ तो फिर से ज़्यादा आपसे बात करने का मौका मिलेगा और अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे आप जब लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कमेंट्स करते रहें, लाइक करें ना करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें तो मैं वो कमेंट पढ़ लूँगा। और बस तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोचते रहें और बस जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।